हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आवर्ती जमा खाता का प्रश्न नंबर तीसरा को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा को बनाते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। ठीक है, आवर्ती जमा खाता का ही क्वेश्चन है प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है मूलधन। देखिए मूलधन आपका दिया है 50 रुपया। ठीक है, अब देखिए समय कितना दिया है, 5 वर्ष, और 5 वर्ष को महीना में चेंज करना होता है आवर्ती जमा खाता में। ठीक है, तो समय लिख लीजिए, समय इक्वल टू 5 वर्ष। 5 वर्ष को माह में चेंज करो तो 5 × 12 अर्थात 12×5=60 महीना। ठीक है, अब इसके पश्चात दर देखो, दर कितना दिया है, दर दिया है 5%, तो दर लिख लिया 5%। तो आवर्ती जमा खाता निकालने के लिए ब्याज निकालना पड़ता है, तो आवर्ती जमा खाता का ब्याज निकालने का सूत्र होता है, ब्याज यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा दर बटे 100, गुणा होता है महीनों की संख्या, चलिए हिंदी में ही लिख देता हूँ, महीनों की संख्या गुणा महीनों की संख्या प्लस 1 होता है बटे में 12×2 होता है। ठीक है, यह ब्याज निकालने का सूत्र है आवर्ती जमा खाता का, मूलधन गुणा दर बटे 100, महीनों की संख्या गुणा महीनों की संख्या प्लस 1 बटे 12×2। ठीक है, इसी पर पुटअप करेंगे सभी के मान को। मूलधन देखिए, मूलधन आपको 50 रुपये दिया है, 50 × 10 5% बटे 100 गुणा महीनों की संख्या दिया है, महीनों की संख्या हम लोग निकाले हैं 60 गुणा, देखिए 60+1 महीनों की संख्या प्लस 1, ठीक है, बटे 12×2। ठीक है, अब इसको कटाने वाले हैं, कटाएंगे तो देखिए 50 × 2 50 × 100 होता है, कट गया। अब यहाँ से कटाओ 12×12 12×5=60। ठीक है, अब पुनः देखिए बचा है उसको लिखेंगे, ब्याज इक्वल टू यहाँ पर बचा है 5/2 गुणा यहाँ पर बचा है 5 गुणा देखिए 60 और 1 61 हो जाएगा बट्टे में 2। ठीक है, इसको पुनः हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, 5×25 × 61 2×2=4। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या होगा, ब्याज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 25 से कम 25 कैरी 2 जाएगा, 25×6=150 होता है, और 150 में 2 जुड़ेगा तो 152 अर्थात ये 1525 आ गया बटे 4। 1525 में 4 का डिवाइड कर दो तो ब्याज इक्वल टू देखिए 1525 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 4×3=12 बार से पहले जाएगा, 4×3=12, फिर यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया, तो 4×8=32 कट गया, फिर 4×1=4 यहाँ पर 4×1=4 कितना बच गया, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 4×2=8 फिर ये 4×5=20। ठीक है, इतने बार में कट जाएगा अर्थात 1525 को, है ना, 1525 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार से कट जाएगा, 381.25, है ना, 381.25 से कट जाएगा, आप लोग भाग देकर देखना। अब देखिए हमें आवर्ती जमा खाता में ब्याज कितना मिला, 381.25। तो अब देखिए 5 वर्ष में रोहन को मिलने वाली धनराशि निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः 5 वर्ष में मिलने वाली धनराशि इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा महीनों की संख्या प्लस ब्याज को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मूलधन गुणा महीनों की संख्या प्लस ब्याज। ठीक है,
आपका मूलधन कितना है 50 भी है, और आपका महीनों की संख्या कितना है 60 है, प्लस अभी ब्याज कितना निकाले 381.25। ठीक है, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है ना, अंक अंक का गुणा कर देते हैं, तो 6×5=30, और ये 2 शून्य को बढ़ा दो, मतलब ये आ गया 3000। 3000 में हमें जोड़ना है 381.25, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3381.25 जोड़ेंगे तो यही 5 वर्ष में मिलने वाली धनराशि है। यह धनराशि किसको मिलेगा, रोहन को मिलेगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यदि इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का बनाने में आप लोग को दिक्कत होगा तो पुनः आप लोग वीडियो को रिवर्स देख सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोगों को पुनः देखने पर समझ में आ जाए। ठीक है, फिर देखते हैं इसका चौथा प्रश्न को। तो देखिए, आपका चौथा प्रश्न है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रतिमाह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत वार्षिक होगा। इस प्रश्न में हमें दर निकालना है, परसेंट निकालना है। ठीक है, यह आवर्ती जमा खाता का ही प्रश्न है, बट इसमें दर को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया देखिए, मूलधन हमें 100 रुपया दिया है। मूलधन आपका मूलधन कितना दिया है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया दिया है। अब समय कितना दिया है, देखिए समय इक्वल टू 10 वर्ष, और वर्ष में दिया रहता है जो भी समय, उसको महीना में चेंज किया जाता है, अर्थात 10 वर्ष को लिखा जा सकता है 10×12 अर्थात 120 माह या फिर 120 महीना। ठीक है, माह में चेंज करना ही होता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए दर, हमें दर को निकालना है। ठीक है, इस प्रश्न में दर को निकालना है, और आपका एक और दिया है ब्याज, बैंक द्वारा कितना ब्याज दिया जाता है 3025 रुपया, अर्थात यहाँ पर आपका ब्याज दिया है 3025 रुपया। ठीक है, अब आवर्ती जमा खाता का ब्याज निकालने का सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। ब्याज का सूत्र होता है, ब्याज इक्वल टू मूलधन को पी से शो किया जाता है, मूलधन पी दर को आर से, बटे 100 × एन मतलब महीनों की संख्या, n+1 बटे 12×2। ठीक है, ये ब्याज निकालने का सूत्र है आवर्ती जमा खाता का। पी मूलधन है, आर दर है, बटे 100 होता है × एन महीनों की संख्या होता है, एन महीनों की संख्या प्लस 1/12×2। ठीक है, अब बारी बारी से यहाँ पर रखते जाएंगे जो मान दिया है उसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ब्याज कितना दिया है 3025। ठीक है, मूलधन आपका कितना दिया है 100 रुपया × इसी दर को निकालना है, बटे 100 × एन का मान कितना दिया है, एन का मान निकाले हैं 120 × 120+1/12×2। सब के वैल्यू को पुटअप कर दिए हैं, यहाँ पर केवल आर का मान निकलने वाला है, दर का मान निकलने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3025 यहाँ 100 को कटा देगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 × 12 12 × 12 12 × 0 अर्थात ये 10 बार में काट दिया। अब यहाँ पर 2 भी इसको काटेगा, 2×2 और 2×5=10। ठीक है, अब कट गया है, बचा उसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए r× क्या बचा है, अंश में 5× ये 120 में 1 जुड़ेगा तो 121 आ जाएगा। ठीक है, इतना बचा है, बाकी तो सब कट गया है। अब यहाँ से दर का मान निकालने वाले हैं, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर पक्षांतर करने वाले हैं। ठीक है, तो पक्षांतर कर दो, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो r=× का संबंध रहता है, तो पक्षांतर करते हैं तो डिवाइड में आता है, ये सबको पता ही होगा, 3025/5×121। ठीक है, पक्षांतर किया, अपान में आया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दर कितना मिलने वाला है। सबसे पहले 5 से कटा देता हूँ, 5×5 5×6=30, फिर 5×0 से जाएगा, फिर 5×25 अर्थात ये 605 बार से कट गया,
एक बार लिख देता हूँ, 605/121। अब 121 605 को कितनी बार में कटाएगा, 5 बार में कटा देता है। ठीक है, कितने बार में कटा देता है, 5 बार में। अर्थात इस प्रश्न का दर कितना है, 5% है। ठीक है, अर्थात 5% की दर से बैंक द्वारा पद्मनी को 3,025 रुपये प्रदान की जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर 5% है। ठीक है, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।